हेलो भवेश खाणे नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये जातोय. अपेक्षा होती खूप अनिरुद्ध सोनवणे कडून खाण्याबिल टीमला आणि पाठेराकडून, परंतु त्या पद्धतीने बॅटिंग झाली नाही. आउट झाला बॅट्समन, धावफलकावरती एकही धाव लागली नाहीये आणि त्या विरोधात खऱ्या अर्थाने गणेश पारंगे या गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. खूप चांगली बॉलिंग, रिस संघाचा एक आक्रमक गोलंदाज ऑलराउंडर प्लेयर आहे आणि यावेळेस मात्र चांगली गोलंदाजी करत असताना भावेश खाने ऑन स्ट्राइक. फुलरनेचा बॉल, चेंडू उडवला ऑफ साइडला, क्षेत्ररक्षक जज करतोय, बॅट्समन आउट. दोन चेंडू आणि दोन विकेट, खूप चांगला झेल त्या ठिकाणी टिपला आणि पहिल्याच चेंडूवरती मात्र बाद झालाय भावेश खाने. पहिल्या मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण विचार केला तर तब्बल तीन चेंडूंचा खेळ झालाय. दोन विकेट, एकही धाव धाव फलकावरती नाहीये आणि थोडंसं बॅकफुटला सुरुवात मात्र थोडीशी खराब खाणे आंबिली टीमची. फुलर लेनचा बॉल, सरळ बॅटने चेंडू तटवलाय, खूप चांगला प्रयत्न त्या ठिकाणी होतोय फिल्डरचा, परंतु चेंडू जातोय अलॉंग दी कार्पेट आलेला चौकार. बऱ्याच उशिरा आणि मात्र चौकार येतोय. एकनाथ खानेच्या बॅट मध्ये इथे शॉर्ट पिच बॉल होता, व्हाइटची अपील, परंतु पंचांचा मात्र कोणताही इशारा नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होती. गणेश पारंगे एक अनुभवी गोलंदाज आहे. मागच्या चेंडूवरती फुलर लेंथचा बॉल टाकला, चौकार आला आणि त्यानंतर मात्र परिवर्तन केलं लेंथ मध्ये. लेंथ बॉल टाकला, टप्पा पडला आणि त्यानंतर मात्र अतिरिक्त घेतलेली उचली आणि निर्धाव चेंडूची मात्र या ठिकाणी सांगता झाली आहे. आणखी एक चांगला चेंडू बनतो, इन साइड एज घेतली आहे, चेंडू जातो शॉट फाइन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाला, चकवत सीमा रेषे पलीकडे आलेला हा एकनाथच्या बॅट मधून आणखी एक चौकार. पहिला बॉल घेऊन यावेळेस मात्र मनीष लेगस्टिकच्या दिशेने चेंडूची फेकी करतोय. खूप चांगला वेग आहे, शरीरयष्टीचा विचार केला तर उंच केला खेळाडू आणि त्याचा वापर मात्र करतोय गोलंदाजी करत असताना. पहिला बॉल येतोय निर्धाव आणि सुरुवात मात्र चांगली करतोय ओव्हरची. ऑन स्ट्राईक आहे तुषार. एकनाथ खानेच्या बॅट मधून मात्र दोन चौकारांचा खेळ झालाय, परंतु यावेळेस आहे नॉन स्ट्राईक एंडवरती. खूप चांगली बॉलिंग या ठिकाणी मात्र चकवलं जातंय, गतीचा पुरेपूर वापर करतोय, गुडलन पद्धतीवरती चेंडूची फेकी करतोय आणि
त्याचा फायदा मात्र आपल्या संघाला करून देतोय। बॅट्समन मात्र दीपक तुषार थोडीशी खराब कामगिरी करतोय। दोन चेंडूंचा खेळ या ठिकाणी निर्धाव खेळलाय, तब्बल आपण विचार केला आठ चेंडूंचा खेळ झालाय, दोन चौकार वगळले तर उर्वरित सर्व चेंडू आलेले निर्धाव, परंतु यावेळी सिलेक्ट बाय ची एक धाव, तुषार ऑन स्ट्राइक होता परंतु निर्धाव खेळला हा चेंडू देखील, लेग बायची धाव मात्र रोखू शकले नाहीत, नऊ धावा धावफल करती लागल्यात। सुरुवात आपण विचार केला तर रिस संघाच्या बाजूने खूप चांगली सुरुवात या ठिकाणी होती आहे, जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि जबाबदारीचा खेळ खऱ्या अर्थाने करावा लागेल तो एकनाथ खाने या खेळाडूला। प्रहार होतोय परंतु संपर्क मात्र होत नाहीये, अंधाधुंदी फटके मारण्याचा प्रयत्न, जजमेंट थोडस चुकतंय कारण टप्पा पडला आणि चेंडू मात्र अगदी खालीच राहिला। दोन चेंडूंचा खेळ या ओव्हर मधील अजूनही बाकी आहे, चार चेंडू आणि चारही चेंडू निर्धाव, लेग बायची धाव जरूर आली आहे परंतु इथे बॅट चेज घेतली आहे, पॉइंट रिजन मध्ये फिल्डर तेथे आहे, एक धाव या चेंडूवरती येते। एकनाथ खानेची देखील भूमिका राहिली आहे स्ट्राईक रोटेशनची। पाच चेंडू नऊ धावांचं योगदान करतोय एकनाथ खाने, तर तीन चेंडू मात्र निर्धाव केला। इथे स्टेप आउट मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक चुकी करणार नाही, बॅट्समन आउट होईल। तुषार बॅक टू द पवेलियन। जांभळे नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्क तिसरे षटक घेऊन आलाय, तर एकनाथच्या जोडीला मात्र नवीन बॅट्समन दत्ता खाने। लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, पहिला बॉल प्रहार करायचा होता, सरळ बॅटने मारायचा होता परंतु हा चेंडू मात्र जातो यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये। या चेंडूवरती मात्र कोणतीही धाव नाहीये, निर्धाव चेंडूची मात्र या ठिकाणी सांगता होती आहे। नितीन भोईर यांना देखील विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। वाईट बॉल या ठिकाणी येतोय आणि एक धाव मात्र वाढली जातीये, अकरा धावा धाव फलकावरती, खूप चांगली बॉलिंग या ठिकाणी। मागच्या ओव्हर मध्ये दोन धावा खर्च केल्यात, फक्त एक धाव बॅट मधून आणि एक लेग बायची धाव, एक धाव्या चेंडूवरती येते आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलंय बारा या धावसंख्येवरती। आठव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय, आणखी एक वाईट बॉल, दोन चेंडू मात्र वाईट फेकलेत, दोन अवांतर धावा, जिथे पहिल्या दोन ओव्हर मध्ये खूप चांगली गोलंदाजी झाली परंतु त्यानंतर गोलंदाज जितू मात्र थोडीशी लय गवसतोय आणि दोन वाईट बॉल त्याच्या माध्यमातून नक्कीच आलेत। आणखी एक
यावेळेस मात्र चांगला चेंडू येतोय. अगदी अंदाधुंदी फटके मारण्याचा प्रयत्न होतोय बॅट्समन दत्ताकडून, परंतु संपर्क मात्र यावेळेस होत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होती आणि या निर्धाव चेंडूच्या सांगतेने आपण बघतोय 13 धावेंवरती मात्र धावफलक जाऊन विसावलंय. इथे सरळ बॅटने खेळायचा होता चेंडू हवेमध्ये, आणखी एक झेल टिपलाय बॅट्समन होता दत्ता खाने, आउट. धावा धाव फलकावती लागल्यात. फुलरलेनचा बॉल इथे मात्र चेंडू उडवलाय, सरळ बॅटने चेंडू जातोय सीमारेषे पलीकडे. समालोचन कक्षेला दिलेली सलामी आहे तो षटकार. मी नितीन भोळे साहेबांना विनंती करेन की आपण समालोचन कक्षेमध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. इथे मात्र सरळ चेंडू उडवलाय अप साइडला, परंतु मिस टाइम स्ट्रोक बॅट्समन, आणखी एक होतोय बाद. प्रणय मात्र गेल्या पावली येतोय माघारी. तीन षटकांचा इथे खेळ संपलाय आणि तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिलं धावफलका धावा आहेत. फीस धावा लागल्या धावफलकावर. चौथा षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे. साई समर्थ खाणे आंबिली या नावाने ही टीम खेळते आणि त्याचे पॅकर असेल अजित लबडे आपण पाहिलं असेल. आणि दुसऱ्या बाजूला कांबे संघ, रिस संघ दोन्ही तितकेच ताकदीचे संघ एकाच परिसरातील. थोडस मी म्हणेन अडचणीत सापडतो खाण्यांबिली संघ धावांसाठी, खरं तर चाचपडतोय धावा येत नाहीये. सलामी लिहिलेला फलंदाज आपण पाहिला एकनाथ काणे, काही करू शकला नाहीये. एक षटकार त्याच्या बॅट मधून पाहिला, त्यानंतर दोन चौकार, 17 धावांचा वैयक्तिक वगदा दोन तंबूच्या दिशेने यावेळेस पाहायला मिळतोय. सूरज येतोय ऑन द स्ट्राईक, हा फटका खेचायचा होता, परंतु यावेळेस बॅटची एज घेतली जाते. अजून एक फलंदाज तंबूच्या दिशेला.
थैंक यू डिविजन अगदी धावांसाठी ताटपडतोय खाण्यामिली संघ पाहायला गेला तर धावपळका धावा लागल्यात चौथ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ असताना 20 धावा आणि गडी मात्र बाद झालेत सात विकेट बद्दल अद्यापर्यंत गमावल्यात खाण्यामिली संघाने साई समर्थ खाण्यामिली विपक्ष रीस अशी लढत पाहायला मिळते हा मात्र अगदी स्लॉट मध्ये चेंडू होता उंची जास्त अंतर यावेळेस कमी पाहायला मिळतोय आणि त्याच अनुषंगाने अजून एक फलंदाज जो होईल तंबूच्या असल्याला रवाना चौकार चोवीस धावा धावपळकर लागल्यात खरं तर या मोठ्या फटक्याची गरज होती आपण पाहिलं चौथं षटक आणि स्लॉग वरचं षटक शंकर पारेगे बराचसा क्रिकेट मधला अनुभव आणि अनुभवाची शिदोरी आपण पाहिली असेल फलंदाजी करत असताना खूप चांगली कामगिरी आपण बऱ्याच वेळा रिस संघासाठी पाहिली असेल आता मात्र गोलंदाजी करायची आहे सुरुवात मात्र चांगली करून दिली एक चौकाराचा मार बसतोय यावेळेस घुटना टेकून शॉट केल्याच होता परंतु यावेळेस असफल ठरतोय फलंदाज आणि इथे डॉट बॉल येतोय चार षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय धावपळका धावा लागला चार षटकांच्या समाप्तीनंतर ते साई समर्थ खाण्यांबिली संघाच्या चोवीस धावा येणारे चोवीस चेंडू असतील आणि गरज असणार पंचवीस धावसंख्येची ती म्हणजे रिस संघाला तत्पूर्वी आपण संधी देऊया डीजे आई एकवीरा पण पाहिलं असेल पहिल्या फेरीतील दुसरी लढत आपल्याला पाहायला मिळते साई समर्थ खाण्यांबिली विपक्ष रीस या दोन संघादरम्यान आणि नाणेफेक जिंकली होती त्या ठिकाणी रीस संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं आणि तो निर्णय मी तर म्हणेन अचूक होता कारण कमी धावसंख्येवर रोखण्यात यश आलंय रीस संघाला कारण धावांसाठी अगदी चाचपडत होता साई समर्थ खाण्यांबिली संघ पहिल्या सत्रामध्ये पाहिलं खाण्यांबिली संघाच्या धावा लागल्या धावपळकावर चोवीस येणारे चोवीस चेंडू आणि गरज असणार पंचवीस या धावसंख्येची ती म्हणजे रिस संघाला परंतु माझ्या समोर जोडले गेलेत एक उत्कृष्ट समालोचक आहेत माणस मनोरे त्यांना देखील आपण विनंती करूया की आपण या पुढच्या सत्रात धावतो वर्णन ऐका हॅलो
धन्यवाद यश मालकर सर, हम देख रहे हैं सागर इलेवन बोरीवली इनके माध्यम से आयोजित की हुई मैत्री ट्रॉफी 2022 का ये रोमांच। कल से नया साल शुरू हुआ, 2022 की शुरुआत हुई कल से, और ये टूर्नामेंट 4 दिन की इस बोरीवली के मैदान के ऊपर आयोजित की गई है। काफ़ी शानदार टूर्नामेंट है। सागर इलेवन बोरीवली के सभी खिलाड़ियों की तारीफ करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन उनके माध्यम से 4 दिन की श्रृंखला इस मैदान के ऊपर आयोजित की गई है। और इस टूर्नामेंट का आज का आखिरी दिन होगा, साल का दूसरा दिन। तो नए साल की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए ले जाना चाहूँगा मैदान की तरफ। जो मुकाबला मैदान में शुरू है, पहले राउंड का दूसरा मुकाबला साई समर्थ खाने अम्बेली और इनके बनाम टीम ब्रीस, यह मुकाबला तो पहला सत्र का खेल जहाँ पे समाप्त हुआ, और पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर का खेल होने के बाद साई समर्थ खाने अम्बेली टीम ने स्कोर कार्ड के ऊपर लगाए रन 24, तो 25 का पीछा करना है। 24 गेंदों का खेल होगा इस सत्र में। जो जोड़ी है मैदान के ऊपर टीम ब्रीस की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइकिंग पे होंगे एक का रीस टीम का बड़ा नाम, जो काफी मैदानों के ऊपर जिनके नाम का दबदबा माना जाता है, वही शंकर पारंगे और उनके साथ ही नॉन स्ट्राइक हैंड पे गणेश पारंगे। ये जोड़ी के बारे में सोचा जाए तो जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी खोपोली के मैदान के ऊपर, और उस चैंपियन ट्रॉफी की चैंपियन टीम जो बनी थी राजवाड़ा पोसरी, वो टीम के लिए फाइनल में काबिले तारीफ बल्लेबाजी ये दोनों बल्लेबाजों ने की थी, और इन दोनों बल्लेबाजों के दम पर वो मुकाबला और वो टूर्नामेंट जीती थी राजवाड़ा पोसरी। तो वही दोनों बल्लेबाज टीम रेस की तरफ से बल्लेबाजी करेंगे, शंकर पारंगे और गणेश पारंगे। ये जोड़ी मैदान में दाखिल हो चुकी है। 24 गेंदे पीछा करना है 25 का, गेंद और रनों के बीच में केवल एक का फासला। ये टोटल काफी आसान माना जा सकता है। पहली पावर प्ले की ओवर लेके आएंगे साई समर्थ खाने अम्बेली टीम की तरफ से गेंदबाजी मार के ऊपर गेंदबाज अनिरुद्ध सोनाव ने राइट आर्म ओवर द विकेट पहली गेंद। ये देखिए पहली गेंद, शंकर पारंगे ने अपने नाम का दबदबा दिखाया और गेंद को भेजा स्ट्रेट ड्राइव के रूप में लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंड 4 रन के लिए चौवा। पहली गेंद पे एक छवा दागा शंकर पारंगे, पूरी तरीके से अपने ताकत और काबिलियत का प्रदर्शन दिखाते हुए पहली गेंद पे नजर आए। ये देखिए हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में, यह होती है अकलमंदी और ये होता है क्रिकेट पे। ये भी गेंद जाएगी पॉइंट बाउंड्री के बाहर, फिर से एक बार बैक टू बैक दूसरा छवा। मुकाबले में अब पूरी तरीके से जीत की तरफ कदम बढ़ाती हुई टीम ब्रीस नजर आई, क्योंकि बैक टू बैक दो गेंदों पर 2 छवे दागने के बाद निजी 8 के ऊपर खेलते हुए शंकर पारंगे नजर आएंगे। ये देखिए 8 का जवाब पत्थर से दिया अनिरुद्ध सोनाव ने, भी बताते हुए नजर आ रहे कि आप शेर हो तो मैं हूँ सवा शेर, मैं भी कुछ कम नहीं है। टप्पा पन्ने के बाद अंदर आते हुए गेंद और खेलने में नाकामयाब हुए बल्लेबाज शंकर पारंगे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा एक डॉट गेंद के साथ। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अपने लिए जगह बनाई, ऑफसाइड के ऊपर गए, ऑनसाइड के ऊपर गेंद को खेलने की कोशिश में एक डॉट गेंद की यहाँ पे समाप्ति होती हुई नजर आएगी। आदरणीय संतोष जी पाटील साहब या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं, या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। संतोष जी पाटील साहब, देखिए तमाम मान्यवरों का यहाँ पे स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी, एक सुनहरा मौका था लेकिन उस मौके को गवाया, वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर छोड़ा हुआ ये कैच कहीं ना कहीं बहुत महंगा साबित होगा आने वाले समय में टीम साई समर्थ खाने अम्बेली के लिए है, क्योंकि शंकर पारंगे जैसे बल्लेबाज का छोड़ा हुआ कैच कहीं ना कहीं आपको हार की दिशा में भी ले जा सकता है, ये ध्यान में रखना होगा। इस कैच को छोड़ा मिलता हुआ सिंगल 5वीं गेंद पे, और टीम का टोटल 5 गेंदों का खेल होने के 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए नजर आएंगे। 25 का पीछा करना है, 9 रन लग चुके हैं, यानी कि 16 की अभी भी जीत के लिए आवश्यकता है। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की ओर की, जहां पे 30 गज दायरे के बाहर केवल 2 खिलाड़ी रह सकते हैं, ऐसे में बल्लेबाजों को होता है मौका, वो मौके को भुनाया तो था शुरुआती 2 गेंदों के ऊपर, लेकिन फिर कमबैक किया अनिरुद्ध सोनावने ने अपनी टीम साई समर्थ खाने अम्बेली के लिए, अच्छी गेंदबाजी की सटीक लाइन ऑफ लाइन की गेंदबाजी, इस ओवर की आखिरी गेंद गणेश पारंगे के लिए। ये देखिए दुधारी तलवार लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, लेकिन
यहाँ पर लगी नहीं गेंद, गई विकेट कीपर के दस्तानों में और एक गेंद की समाप्ति। इसके साथ ओवर नंबर एक होगी समाप्त और एक ओवर का खेल होने के बाद 25 का पीछा करते हुए टीम भी इसका टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ नजर आएगा, वो 9 रन यानी कि अब समीकरण बनता हुआ नजर आएगा। आने वाली 18 गेंदे और जीत के लिए अब 16 रनों की आवश्यकता होगी। 18 गेंदे और 16 रन सागर 11 बोरीवली इनके माध्यम से आयोजित की गई है मैत्री ट्रॉफी 2022 का रोमांच घमासान क्रिकेट का मेला इस मैदान के ऊपर तमाम दर्शक देख रहे हैं। और स्टार टेनिस क्रिकेट के माध्यम से हमारे निखिल बाबर सर इनके माध्यम से लाइव ये टूर्नामेंट दिखाई जा रही है। यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। एक सूचना है, जो पट्टी वर प्रेक्षक बसले त्यांना विनंती असेल की आपण कृपया इतना उठायचं, कांबे संघाचे ते खेळाडू आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण त्या पट्टीच्या मागे बसायचं, पट्टीवर कोणी बसायचं नाही। तो जैसा कि मैंने कहा था स्टार टेनिस क्रिकेट के माध्यम से निखिल बाबर सर और उनकी टीम के माध्यम से यूट्यूब पर लाइव ये टूर्नामेंट का प्रक्षेपण किया जा रहा है, तो उनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। खेल के बारे में सोचा जाए तो पहले राउंड का दूसरा मुकाबला जारी ये मैदान के ऊपर, जहाँ पे 18 गेंदों में रीस को जीत के लिए जरूरत है 16 रनों की। 18 गेंदे और 16 रनों की जीत के लिए जरूरत, नए गेंदबाज खुद की पहली और टीम की ओर से दूसरी ओवर लेके आएंगे विराज गेंदबाज नजर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। देखिए विराज को अब अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, अगर 2-3 विकेट इस ओवर में आते तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला और रोमांच भरा देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या शंकर पारेंगे ऐसा होने देंगे ये देखना जरूरी। राइट हैंड ओवर द विकेट, ये देखिए फुल सक्सेसफुल डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, दागा ये छक्का ये 6 रन। झटका दिया जाएगा रीस टीम को, गणेश पारंगे बैक टू द पवेलियन। वो लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए छक्का। धन्यवाद डीजे ऑपरेटर, देखिए मुकाबले को अपनी टीम रीस के लिए आसान करते हुए नजर आएंगे शंकर पारेंगे, क्योंकि केवल 3 रनों की जीत के लिए होगी आवश्यकता।
केवल तीन, ये देखिए स्कूप करने का प्रयास था एलबीडब्ल्यू की अपील ला। जाते जाते शंकर पारंगे का विकेट यहाँ भी दिया जाएगा दूसरा झटका टीम रिस को। सन्माननीय नितीन भोर साहब विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं। तो देखिए लीजिए आठ गेंदों का खेल होने के बाद 22 की पारी खेली शंकर पारंगे के लिए। तालियां बजनी चाहिए क्योंकि जीत की तरफ, जीत की दहलीज पर अपनी टीम को ले जाते हुए नजर आए शंकर पारंगे। एक काफी बड़ा नाम है, हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी में भी अपना जलवा बिखेरा अपनी बल्लेबाजी का, और इस मैदान के ऊपर भी बोरिवली के टूर्नामेंट में अपनी टीम रीस के लिए खेलते हुए अच्छा खेल दिखाया निजी 22 के ऊपर। हाँ कृपया ती गाड़ी आतमी थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट थांबायचं आहे। तो अब नए गेंदबाज गेंदबाजी मार के ऊपर आएंगे सूरज पुजारी, एक खाने अम्बुली की तरफ से काफी बड़ा नाम, काफी मैदानों के ऊपर जिसने अपने गेंदबाजी का जलवा बिखेरा है। वही सूरज के हाथ में गेंद थमाई गई है। राइट हैंड ओवर द विकेट, मुकेश ने देखी है पूरी तरीके से मैच को किया खत्म, छक्का दागा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, और इस छक्के की बदौलत टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। अब तो इस टीम को अगले मुकाबले के लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे साई समर्थक खाने अम्बुली टीम का। पहले राउंड का दूसरा मुकाबला हुआ समाप्त, लेकिन इसी दौरान इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा जिन्होंने एक ओवर में 3 विकेट अपने नाम किए 5 रन देकर और बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों में 22 रन किए।